अजमी बॉस कहाँ है? बॉस किधर है? अजमी बॉस, शुक्र है अल्लाह का तुम आ गए। कहाँ रह गए थे सारा दिन? कब से कॉलिंग कर रही हूँ। इतनी बड़ी खुशी की खबर है मेरे पास। अरे जितनी बड़ी मेरी खबर है ना आप सोच भी नहीं सकती। अरे वो डिजाइनर थी ना जो 5 ड्रेस लेके गई हमसे, अभी मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। ये मैं लेके गया था आपकी स्केचबुक और ये वाला डिजाइन, सोचिए उसने क्या कहा है। अरे भूल जाओ इस सबको, इसकी अब दिलचस्पी नहीं है इन सारे कामों में। इसके घर से कॉल आई थी, इसकी अम्मी जा रही हैं कि ये वापस चली जाए। क्या बॉस आप जा रही हो? हाँ, मुझे लगा था कि मैं कभी घर वापस नहीं जा सकूंगी, मगर खुद ब खुद कॉल आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। चना रो मत, ये तो खुशी की खबर है बेटा। तुम्हें पता है मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि उनका दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाए। अच्छा तो ये सब आपका किया धरा है? अरे कम से कम हमें बता तो देती तो हम कपड़े सीते सीते ख्वाब ना भूनते, क्यों जकी? हाँ ना, और बॉस मैंने तो मटेरियल का ऑर्डर दे दिया, ये काम तो पूरा करके चले जाओ। सकीब रिक्शा ला दो। अरे रिक्शा क्यों, टैक्सी लेके आना आरामदेह वाली, मैं खुद अपनी बेटी को छोड़ने जाऊंगी, कपड़े बदल के आती हूँ। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मानो मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा। सकी I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है, मगर मैं चाहकर भी नहीं कर सकती। मुझे किसी भी तरह घर जाना है अम्मी के पास। प्लीज मुझे गलत मत समझना। कभी भी नहीं बॉस, मैं कभी भी आपको गलत नहीं समझ सकता। पता है ना? हाँ। और आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं सच्चे दिल से आपका दोस्त और हमेशा रहूंगा। मुझे पता है सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। जब मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था, और मैंने तुम्हें ही कॉल की थी, और तुम अपनी मंगनी छोड़कर आ गए, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। कभी भी लाइफ में आपको मेरी जरूरत पड़े या आप किसी भी मुश्किल में हो बॉस, बस बिला झिझक आपने मेरे को कॉल करनी है। दुआ करना कि कभी कोई मुश्किल आए ही नहीं कि मुझे तुम्हें कॉल करनी पड़े, और अगर आई तो मुझे पता है कि तुम हो। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मानो मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। नमी में